तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। इस वीडियो में भी हम कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे। तो ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, किस तरह से सॉल्व करते हैं और कैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ए 680 ओम लोड रेजिस्टेंस। ये 680 ओम क्या है? लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड अक्रॉस ए कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 1.2 एम्पियर। सोर्स रेजिस्टेंस RS इज 12 किलो ओम। द लोड करंट थ्रू RL इज। देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें। इसमें आपको एक दिया है कि RL आपके पास है 680 ओम, ऐसे आपको दिया हुआ है, और सोर्स रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 12 किलो ओम। 12 किलो ओम का मतलब आपको दे दिया है 12000 ओम, ठीक है। इसको हमने ओम में कन्वर्ट कर लिया, किलो ओम में दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद आपको सोर्स करंट जो दिया, यानी कि एक करंट सोर्स आपको दिया हुआ है 1.2 एम्पियर का। वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है IL, आपसे क्या पूछ रहा है, IL आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, अगर एक करंट सोर्स है, कांस्टेंट करंट सोर्स, तो अगर आप ऐसे फिगर ड्राइव करेंगे तो एक आप ये मतलब करंट सोर्स हो गया। करंट सोर्स का जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो कुछ इस तरह से पैरेलल में होगा, ठीक। और ये आपका क्या होगा, ये लोड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस होगा। अब लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 680 ओम दिया हुआ है, ठीक। और ये जो है ये आपका 12 किलो ओम है, 12 किलो ओम, ठीक। और सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 1.2 एम्पियर, इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस आपको अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको करंट पूछा गया है, किसमें, इस वैल्यू में, ठीक है। यानी कि RL में जो यहाँ से IL आएगा ये आपको कितना हो, ठीक है, IL पूछा है। अब देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया है, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि लोड करंट आपसे पूछ रहा है। लोड करंट के लिए आप करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करिए। करंट डिवीजन रूल के लिए है कि टोटल करंट इनटू, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं उसके अपोज, जैसे कि इसमें आपको करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर आपने इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो आपको सबसे पहले क्या है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी 12000, इतना, क्योंकि 12 किलो ओम दिया है तो हम 12000 लिख दिए। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, जब भी आप हमेशा याद रखो कि इस ब्रांच में अगर आपसे करंट पूछेगा तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस अपान दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 12000 प्लस 680 ओम, ठीक है। जब भी आप करंट डिवीजन रूल लगाओ बस ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। अब देखिए फिर क्या होगा, 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 अपान ये क्या होगा, 12680 हो जाएगा, 12680, ठीक है। फिर देखेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है एक जीरो से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट जो है क्या होगा, एक जीरो से ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या होगा, 12 × 1200 हो जाएगा, ठीक, अपॉन 12680। कैलकुलेटर आपको दिया रहता है, ऐसा नहीं कि आपको इस टाइम कैलकुलेटर हर एक एग्ज़ाम में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट ये आपको फॉर्मूला पता है, बस इतना आपकी वैल्यू पता है, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, तो 14400 हो जाएगा, कितना होगा, 14400, ठीक, अपॉन 12680 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पॉइंट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, 1.14 एम्पियर, 1.14 एम्पियर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये एक तो ये 114 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो ये ऐसे ही नहीं होगा, मिली होगा तो मतलब ये 114 को अगर आप मिली एम्पियर हैं, सॉरी 114 अगर मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.114 एम्पियर होगा, तो ये होगा नहीं कभी, इसमें ये नहीं कि मिली एम्पियर है तो इसके नहीं, ये गलत होगा आपका, आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो, ठीक है। 1.2 होगा ही नहीं क्योंकि ये सोर्स करंट था, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ना,
ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, और आपका ये 12 एम्पियर होगा ही नहीं क्योंकि इतनी तो सोर्स करंट भी नहीं है, तो आपको ये समझना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है असर्शन आपका ए संट ऑफ एन अमीटर हैज ए लो रेजिस्टेंस। एक अमीटर का जो संट होता है उसमें कैसा रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, ये आपको असर्शन दिया हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है दिया है कि संट में बी कनेक्टेड इन सीरीज आर इन पैरेलल विद अमीटर। तो संट जो होगा वो हमेशा कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में होगा या फिर पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए करेक्ट मतलब पहला क्या दिया है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो ए है ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो क्या ये सही है। देखिए सेकंड क्या है, सेकंड आपका है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी जो संट ऑफ एन एमीटर है जो लो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये जो इसका एक्सप्लेनेशन यानी रीज़न दिया हुआ है ये करेक्ट नहीं है, तो क्या ये ऑप्शन नंबर बी ये सही है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं सी क्या दिया है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, यानी ए जो है ये ट्रू है आर जो है ये फॉल्स है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो इसमें से आपको डिसीजन लेना है, एग्ज़ाम में जब भी आप बैठे रहोगे तो आपको तर्क भी पता होना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संट ऑफ एन अमीटर हैज ए लो रेजिस्टेंस, यानी अमीटर का जो संट होता है उसका हमेशा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा रेजिस्टेंस उसका लो होगा। ठीक है, संट में भी कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल, ऐसे नहीं संट हमेशा आपको किस में कनेक्ट होगा। ठीक है, कभी ऐसे नहीं बोलते कि संट हमेशा इसमें लगा होगा, ऐसा नहीं, संट हमेशा पैरेलल में लगा होता है, ऐसा नहीं कि सीरीज में भी लगा दिया पैरेलल में, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पैरेलल ही होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और ये करेक्ट है भी नहीं, इसलिए आर इज क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए अमीटर जो होगा उसका जो संट रेजिस्टेंस होगा, तो सबसे पहले अमीटर का जो संट रेजिस्टेंस होगा वो लो वैल्यू का होगा, ठीक आर लो होगा जब संट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब इसको हम क्यों लगाते हैं, तो इसको हम लगाते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज, सेफ्टी पर्पज। ठीक है, यानी कि जब अमीटर में करंट ज़्यादा होगी, ठीक है, जब अमीटर में करंट ज़्यादा होगी तो इस रेजिस्टेंस से हम क्या करवा लेंगे, बाईपास करवा लेंगे। ठीक है, यानी संट रेजिस्टेंस की वैल्यू लो रखने का कारण कि मीटर में करंट ज़्यादा होगी उसको बाईपास करने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं, पहली चीज़ तो, और तो मेन कारण क्या हो गया, सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं जो हम संट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये मीटर के समांतर में लगाते हैं, ये हमेशा याद रखिए, ये मीटर की कैसे लगेगा, पैरेलल में ही रहेगा, सीरीज में नहीं, संट हमेशा मीटर के पैरेलल में। ठीक है, संट का मतलब ही पैरेलल होता है, और आप जानते भी रहो संट जब भी हम एमीटर का करते हैं वो पैरेलल में होगा, सीरीज में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो रीज़न दिया हुआ है ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि धारा को मतलब कि अगर करंट मान लो ज़्यादा हो रही है तो उसको बाईपास करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस एक बात याद रखिए, जो संट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस एमीटर का जो प्रतिरोध होगा उससे भी कम होना। सपोज एक मान लीजिए आपने ये आपके पास एक एमीटर है, ठीक है, एक एमीटर है, ठीक है, आपने बाईपास के लिए ये लगा दिया एक रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, मान लो इसकी वैल्यू मान लो एक है ना, तो इसकी वैल्यू आर एस ए जो बाईपास किया गया संट किया गया है, ठीक है, संट इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी जो सोर्स रेजिस्टेंस होगा, यानी कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस से हमेशा संट के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होनी चाहिए। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि एमीटर जो होता है, एमीटर आपका है, यानी कि जो एम्पियर को मेज़र करता है एमीटर, वो हमेशा परिपथ में यानी सीरीज वो सर्किट में कैसे लगाया जाता है, तो एमीटर जो होता है हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, ये भी आप याद रखिए।
ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच हैज ए हाइयर रेजिस्टेंस। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, विच हैज ए हाइयर रेजिस्टेंस, आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है किसका हाइयर होगा, ए 2 kW इलेक्ट्रिक हीटर और ए 200 W फिलामेंट बल्ब बोथ मार्क फॉर दी 230 V यानी 230 V। यानी आपके पास एक, ठीक है देखें, आपके पास एक 2 kW का क्या है, हीटर है, ठीक हीटर, एंड दूसरा क्या है आपके पास 200 W का, 200 W का बल्ब है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, ठीक है दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि दोनों की सप्लाई के लिए जो वोल्टेज हमारे पास है वो 230 V है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपको मान लीजिए ये पावर आपकी P1 है, तो P1 आपको कितना 2 kW दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे वाट में तो 2000 W हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लीजिए ये P2 पावर, ये वाला जो बल्ब की पावर है, ये आपका हीटर की पावर P1 और ये P2 जो है बल्ब की पावर है 200 W। वोल्टेज दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि R बराबर, सबसे पहले ठीक है आपको पता है पावर, आपको इसमें से अभी क्या देखिए रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता है, वोल्टेज पावर रेजिस्टेंस तीनों के बीच में फॉर्मूला P = V² / R, ठीक। तो हीटर का रेजिस्टेंस, इसको चलिए मैं RH लिखता हूँ हीटर के लिए, तो ये इधर जाएगा तो V² / P होगा, तो V² की वैल्यू 230 V गुणे 230 V अपान 2000 V कुछ इससे आएगा, ये करेंगे हम, ठीक है। तो 23 का गुणा 23 में करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है ये आप मान के चलो, तो 23 का गुणा आप 23 में करोगे तो कर लेते हैं हम 23, 23 9 3 दुनी 6 तीन छः दोनी छः, ठीक 9 6 6 12 2 4 1 5 529 होगा, ठीक है। तो 529 अपान 20, 529 अपान 20, ठीक है। जैसे ही आप क्या करो, अब इसको डिवाइड दे दो, भाग दे दो, तो आपका जो आंसर आएगा 529/20 से, तो आप जैसे ही भाग करोगे तो 26, ठीक है 26, 20 × 2 = 40 होगा, फिर उसके बाद ये लगभग आपका कितना बचेगा 12 129, तो 20 × 6 = 120, तो 26 लगभग 4 Ω आएगा, 26.4 Ω। ये किसका हो गया, ये आपका हीटर का हो गया। अब हम बल्ब का निकाल लेते हैं, आर बी इसका भी 230 × 230 अपान कितना होगा, इसका 200 ही होगा क्योंकि इसका पावर 200 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 200 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 529 आएगा, 529/2 डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, फिर ये कितना बचेगा 1 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 264.5, 264.5। तो अब इससे आपका पता चल रहा है कि जो आरबी का रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर है आरएच से, वो आरबी का रेजिस्टेंस ग्रेटर है आरएच से। तो आप आराम से बोल सकते हो कि 200 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। या फिर अगर ऐसे नहीं है तो आपको एक चीज़ जानना है, सिंपल सी बात है कि R जो होगा वो प्रोपोर्शनल, एंटी प्रोपोर्शनल होता है पावर के, ठीक है। V तो सेम है ना, तो V को छोड़ दो। तो आपको जब भी ऐसे करना है, ये तो मान लो मेथड हो गया कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगर आपको मेथड नहीं पता है तो आपको ये फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से देखिए पावर मैक्सिमम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी जिसकी पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसकी हैं ठीक है, आप देखोगे तो हीटर के लिए अगर हम बात करें, हीटर प्रोपोर्शनल 1/2000, ठीक है, और ये जो आर बल्ब है 1/200, तो ये देखिए 10 गुना कम है, कितना है 10 गुना कम है, तो 10 गुना कम है, तो ये वाला रेजिस्टेंस 10 गुना ज़्यादा होगा, ये वाला रेजिस्टेंस 10 गुना कम होगा, ठीक है।
तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, यहाँ से भी बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लगाओगे तभी, आप डायरेक्ट भी यहाँ से बता सकते थे, लेकिन आपको पहले कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ देखिए, उसके बाद आप इस शॉर्टकट पे जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये 220 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट सोर्स, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। चलिए देखिए, ये भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना है कि सबसे पहले आपको ये क्या दिया हुआ है, एक V बराबर आपको क्या दिया है, 220 वोल्ट दिया है, फिर आपसे पावर दे दिया है 100 वाट, फिर आपको ये मान लीजिए एक V1 दिया है, दूसरा क्या दिया है आपको, दिया है V 110 वोल्ट, और यहाँ पे आपसे पावर पूछ रहा है, तो पहले इनकी वजह से आपको क्या निकालना है, फिर इसमें आप आइए, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे आप रेजिस्टेंस पता करिए, तो आपको पता है रेजिस्टेंस बराबर, अभी आपने देखा वी स्क्वायर बटे पी होता है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू 220 करेंगे, 220 को दो बार मल्टीप्लाई किया, 220/100, ठीक है। जैसे ये कैंसिल करेंगे, 22 का गुणा 22 में करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 484 ओम, ठीक। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, और आपको यहाँ पे वी पता है, और आप यहाँ से आप पावर निकाल सकते हो, क्योंकि आपसे यही पूछा गया कि पहले इतनी वैल्यू थी, फिर आपने क्या किया, वोल्टेज चेंज कर दिया, वोल्टेज कितना किया, 110 वोल्ट कर दिया, तो अब बताओ पावर कितनी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकालो, फिर इसी रेजिस्टेंस को इसमें करो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप देखो कोई भी चीज़ बदलोगे, ठीक है, उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस बदलेगा, पावर बदलेगी, वो रेजिस्टेंस आपका समान रहेगा, वोल्टेज बदलेगा, पावर बदलेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका हमेशा उस कंडीशन में क्या रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए अगर आप देखेंगे, तो बस आपको क्या करना है, आप यहाँ से रेजिस्टेंस पता चला, वोल्टेज पता चला, बस आप पावर निकाल लो, पावर बराबर वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर की वैल्यू 110 गुणे 110 अपान 484, ठीक, यही होगा। अब 11 का ये क्या होगा, 100, ये आपका 121 100, मतलब कि 12100 484, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब देखिए मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 से 4 से जैसे भी होगा, तो फाइनली आपका 25 वाट आएगा, कितना आएगा, 25 वाट, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा 25 वाट, ठीक है। तो आपको यही चीज़ समझना है, बस आप ऐसे निकालेंगे, और आप ये डिवाइड मल्टीप्लाई का टेंशन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर दिया रहता है, आप तुरंत वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि ये करंट ऑफ 16 एम्पियर, ये करंट ऑफ 16 एम्पियर डिवाइड्स बिटवीन टू ब्रांच इन पैरेलल रेजिस्टेंस 8 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली, द करंट ईच ब्रांच इज। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक सोर्स करंट है, ठीक है, ऐसे एक सोर्स करंट है, ये दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, ठीक है। एक आपका जो ब्रांच है, एक है 8 ओम का, एंड एक क्या है 12 ओम का, ठीक है, 12 ओम, एक 8 ओम, और जो करंट है वो 16 एम्पियर है। तो आपसे कह रहा है कि द करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में कितनी करंट होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपका ये R1 है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R2, हमेशा मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जब भी ऐसा सर्किट आपको दिखे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, करंट डिवीजन रूल लगाना है, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, कि अगर आप R1 में करंट निकाल रहे हैं, यानी इसमें जो करंट है वो मान लीजिए I1 है, और यहाँ से जो करंट आएगी वो I2 आएगी, तो अगर आप करंट I1 निकाल रहे हैं, तो टोटल करंट, यानी कि टोटल IT में लिखता हूँ, टोटल करंट इंटू अपोजिट, यानी I1 निकाल रहे हैं तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 12,
अपन टोटल रेजिस्टेंस 12+8 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, I1 निकालने पे हम क्या करते हैं, IT टोटल करंट हमारी कितनी है 16 एम्पियर पूरे 12/20, ठीक। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक को 16, 4 5 20, 12 चौक को 48/5, 5 9 45 5 9 45 5 6 30 9.6। अब देखिए इस ब्रांच में करंट जो आई आपकी करंट डिवीजन रूल से 9.6 एम्पियर आई, तो आपको I2 करंट निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर दो ब्रांच सिर्फ ऐसे दिया हुआ हो तो आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि I टोटल बराबर मल्टीप्लाई, इस ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं तो अपोजिट ये सॉरी ठीक है, ITB लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिखो, टोटल करंट आपको 16 दिया हुआ है, इसमें करंट इस ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं तो I2 में मतलब 8 ओम/20, ठीक है। 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 एम्पियर है, ये 8 है तो ये 5 है ना, यहाँ पे 5 होगा सॉरी, ठीक है। तो 8 दूनी 16/5, तो 5 3 15, 5 चौक को 4 5 20, 4 चौ ये सॉरी यार थोड़ा सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये होगा 8 चौक को 32/5, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 चौक को 20, ये हो जाएगा इतनी करंट, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे तो हो ही जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई ये सब आप करोगे तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको एक I1 पता चल गई, आपको I1 पता चल गई कितनी होती है, I1 पता चल गई कि 9.6 एम्पियर है, तो आपको KCL का रूल भी, KVL KCL पता है ना, KCL क्या कहता है, KCL आपको कहता है कि किसी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। यानी आई टी बराबर आप ये कर सकते हो I1+I2 कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो ये आप मान लीजिए आई टोटल है, तो ये आई टोटल इन दोनों करंट के योग के बराबर होगा। तो आई टी आपको पता है 16 है, I1 आपने निकाला 9.6 एम्पियर आया प्लस I2, तो आप यहाँ से I2 देखोगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, तब भी आपका कितना आएगा 6.4 एम्पियर, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 6.4 एम्पियर, 9.6 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आपको करंट डिवीजन रूल पता हो जाना चाहिए कि अब इस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप मिस नहीं करेंगे, सारा एकदम सॉल्व कर देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, बढ़िया से इसको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वायर, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, 2 वायर ए एंड बी हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एंड आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, RA यानी RA की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस से जो RA है वो 800 ओम दिया है और जो RB है वो 100 ओम दिया है, 100 ओम। द नंबर ऑफ टाइम्स A इज लॉन्गर देन B, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो A है वो कितना आपसे लंबा है। अब देखो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 800 गुना रेजिस्टेंस ही, तो मतलब वो सब पूछ रहा है क्योंकि आपको लेंथ भी सेम क्या दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दिया है, सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो आपसे लेंथ ही तो पूछ रहा है। अब देखिए लेंथ आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल L/A, ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो ρ L/A कुछ ऐसा आता है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब हर एक में क्या है, ये तो सेम दिया हुआ है यानी एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया तो ये आपको दिया है क्वेश्चन में ही कि सेम है और सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम मटेरियल का बना हुआ तो ये भी सेम हो गया, यानी जो आपका रेजिस्टिविटी है वो भी सेम हो गई, तो दो चीज़ तो आपका ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आपको क्या R जो होगा प्रोपोर्शनल होगा L के, R जो होगा क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा L के।
तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ये मान लीजिए कि आर ए ये प्रोपोर्शनल है एल के, आर बी ये प्रोपोर्शनल है एल के, इक्वेशन एक है, ये इक्वेशन टू है। तो हम क्या करेंगे, आर ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800 प्रोपोर्शनल एल, एल वन मान लेते हैं इसको, या एल ए मान लेते हैं, ठीक है, सॉरी ठीक है, इसको हमें मान लेते हैं, ठीक। और दूसरा आपका कितना दिया हुआ है, 100 प्रोपोर्शनल एल बी, ठीक। इक्वेशन एक है, इक्वेशन टू है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 800/100 बराबर एल ए अपान एल बी, तो ये कटेगा। तो आप देखेंगे कि एल ए जो है वो क्या है, 8 LB, यानी कि एल ए 8 times longer है, एल ए जो है वो क्या है, 8 times longer है, ठीक है। तो आप देख लेना, आंसर जो होगा आपका ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे भी आप वैसे भी कर सकते हैं कि यहीं से आपको पता चल जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे भी देखना चाह रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ करंट थ्रू ए कंडक्टर इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिक्रीज्ड बाई फैक्टर ऑफ 3 कीपिंग अदर पैरामीटर कॉन्स्टेंट इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस। देखिए ध्यान से, इफ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिक्रीज्ड बाई 3 फैक्टर ऑफ 3 सो क्या होगा। अब देखिए आपको यहाँ भी समझना, वी बराबर आई इंटू आर होता है, तो यहीं से मैं बता रहा हूँ अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, ये भी देखिए आप, लेकिन पहले तो आप यहीं देखिए, वी बराबर आई इंटू आर होता है, तो आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर, सभी फैक्टर क्या हैं, सभी फैक्टर आपके जो हैं। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन की बात की जा रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप प्लीज़ गलती मत करिए, ठीक है, प्लीज़ आप एकदम गलती मत करिए। कैसे करना, देखिए, इफ़ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन ए ट्रांसमिशन लाइन, अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन लाइन दे दिया, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर सारे पैरामीटर को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो जो उसका प्रतिरोध है वह कितना गुना बढ़ जाएगा, आपसे यही पूछ रहा है कि इसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो आर इफेक्टिव की जो होता है वह आपका होता है आई स्क्वायर पावर हानि, ऐसे हम बोलते हैं पावर लॉस अपान आई स्क्वायर, इस तरह से हमारा होता है, ठीक है। आर इफेक्टिव यानी आर इफेक्टिव जो हम बता रहे हैं, देखिए आर बराबर क्या होगा, पावर लॉस आई स्क्वायर आर अपान आई स्क्वायर, ऐसे हम करते हैं, ये कैंसिल होगा हमारा, तो हमारा आर इफेक्टिव जो होगा, जब हम कोई हम सब सारे पैरामीटर को कांस्टेंट नहीं किए हैं उस कंडीशन के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन के लिए देखिए बेसिक का क्वेश्चन है, तो ये जो फॉर्मूला आपका होगा वो क्या होगा, पावर लॉस अपान आई स्क्वायर ओम हो जाएगा ये, ठीक है, आर इफेक्टिव, ठीक। तो अभी देखिए आप यहाँ से, अब देखिए अदर पैरामीटर को क्या किया, पावर लॉस को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, पावर लॉस को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। तो आपका जो अब सिर्फ इस कंडीशन में जो आपका आर इफेक्टिव रहेगा वह प्रोपोर्शनल होगा 1/I² के, ठीक है, 1/I² के। तो यहाँ से आप देखोगे कि अभी कितने टाइम डिक्रीज हुआ है आर इफेक्टिव, आप देखेंगे क्वेश्चन में तो 3 times, कितने टाइम्स, 3 times, 3 times डिक्रीज हुआ है, ठीक है, 3 times डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब 3 times डिक्रीज होने का मतलब कि 1/3 यही होगा ना, 3 times डिक्रीज हुआ है करंट जो है, 3 times डिक्रीज होने का मतलब 1/3 डिक्रीज हुआ आपका। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आर इफेक्टिव आपका क्या होगा, आर इफेक्टिव आपका I/3, ठीक है, ये सॉरी ये 1/3 नहीं I/3, यानी करंट जो आई था वो I/3 times डिक्रीज हुआ। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1/I² अपान 9, ठीक है,
तो यहाँ से आर इफेक्टिव आपका कितना आएगा, आपका आएगा 9/I² 9/I² तो आप देखेंगे कि आर इफेक्टिव आपका कितने टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स तो इंक्रीज्ड बाई 9 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। आप किस मेथड से सॉल्व करिए, इस मेथड से सॉल्व करिए, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। आप अगर वही मैं बता रहा था, V बराबर I इंटू R से अगर आप देखेंगे, अदर पैरामीटर कांस्टेंट किया तो R प्रोपोर्शनल 1/I होगा, तो ये 3 टाइम्स घटेगा तो ये 3 टाइम्स बढ़ेगा, तो इससे आप ये मार के आ जाओगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। ट्रांसमिशन लाइन की बात की जाए तो हाँ, जो आपको सारे पैरामीटर हैं तो वहाँ पावर के हिसाब से, यानी जो पावर लॉस है इसके हिसाब से आप निकालिए, और ये सीधा फॉर्मूला है, ये याद भी रखिए आप, ठीक है, ये याद भी रखिए। जो आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वह कंडक्टर में पावर लॉस अपन आई स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखिए आप, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पावर बाय द सर्किट एलिमेंट इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो आपको सर्किट एलिमेंट दिया गया है इसके बारे में आप बताइए, ठीक है। एक तो पावर आप बताइए, सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे कि आप पावर बताइए, उसके बाद कि यह क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से इस चीज़ को बताइए आप कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम तो पावर निकालेंगे। पावर बराबर क्या होता है, वी इंटू आई, एकदम आसानी से निकाल देंगे। V की वैल्यू 230 मिली वोल्ट दिया है तो 10^-3 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि मिली वोल्ट दिया हुआ है, गुड़े 5.4 एम्पियर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे 230 का 5.4 एम्पियर से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वह वैल्यू होगी 1.242 वाट। अब देखिए 1.242 वाट हमारे पास दो ऑप्शन में, एक बी है एक डी ऑप्शन में है। अब ये आपको बताना है कि ये वाला सही है कि ये सही है। अब ये भी देखना है कि ये, अब ये पूछा है ये ऑब्जॉर्ब कर रहा है डिलीवर कर रहा है, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझ के बताना है ऑब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर। अब आपको देखना है यहाँ पर ये जो करेंट है, ठीक है, अगर आप इस तरह से फिगर बना हुआ है तो फिगर को इस तरीके से देखिए, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ठीक, और इसकी वैल्यू आपको 230 मिली वोल्ट दिया हुआ है, करंट आपका ऐसे आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि करंट हमारा कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्लस में एंट्री कर रहा है। इफ़ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट टेंस इंटर्स इंटर इंटू पॉजिटिव देन पावर एब्जॉर्ब, देन पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब, ठीक है। और अगर करेंट्स किस में एंट्री कर रहा है, करेंट्स, अब देखिए ये भी समझना है आपको कि करंट आपकी जो एंट्री है वह आपकी किसमें, ये प्लस में अगर एंट्री कर रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव से ऐसे एंट्री कर रही है तो आपका क्या होगा, वहाँ पे डिलीवर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आप याद रखिए, चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए।